अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने इंतहाई मेहनत के बाद, यानी मैं एक ये अगर कहूँ कि राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान तो गलत ना होगा, कम वक्त में बहुत सी जगह बनाई एज अ सिंगर। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वजीउद्दीन मीर, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर सर, थैंक यू। तो हम बात करेंगे वजी से। वजी, अक्सर हम सवाल करते हैं सबसे पहले तो किसी भी सेलिब्रिटी से, सिंगर से, अदाकार से, क्रिकेटर से, हम ये कहते हैं कि बहुत कम वक्त में आपने अपनी जगह बनाई, लेकिन उस कम वक्त में अगर हम ये कहें कि भाई मौका मिलने के बाद कम वक्त में जगह बनाई, लेकिन उससे पहले एक बड़ी स्ट्रगल होती है, जिसे कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किस तरह से आपने शुरू किया सारा ये अपना सिंगिंग का सिलसिला? सबसे पहले तो सर स्ट्रगल तो एक पार्ट है, सक्सेस का पार्ट है, सक्सेस या कुछ भी सीखने का जो प्रोसेस है उसका पार्ट है। और हर्डल्स बहुत आते हैं, डिस्करेजमेंट बहुत आती है, लोग सपोर्ट नहीं करते, फिर एक तबका ऐसा भी है जो हराम हलाल के चक्कर में पड़ जाता है, तो डिस्करेजमेंट ज़्यादा है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको मेहनत करते रहना चाहिए। जो आपका एम है, अभी भी मेरा एम पूरा नहीं हुआ है, मैं उसकी दौड़ में हूँ, उसकी मेहनत में हूँ और इंशाल्लाह एक दिन अचीव कर लूँगा। लेकिन स्ट्रगल, ये पूरा प्रोसेस सीखने का अमल जो भी है, ये सब कुछ स्ट्रगल में ही आता है। तो बचपन से जब से गाने का शौक़ है तो बहुत उतार चढ़ाव आए लेकिन छोड़ा नहीं। अच्छा, बचपन की अगर हम बात करते हैं, जैसे फैमिली का एक, जैसे पेरेंट्स का या जो हमारे जो बड़े बहन भाई होते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि भाई हमारा ये बेटा या भाई, इसको हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। ठीक है, वो मुझे समझ में आती है या हम सबको समझ में आती है कि मीडिया के फील्ड में जब अगर कोई कदम रख रहा होता है तो फैमिली की तरफ से थोड़ा सा अपोज हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल डिफरेंट सीन था। एक तो सबसे पहले वालिद साहब का शौक था कि इंजीनियर बनूंगा, तो उनके लिए बना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे भाई ने किया। मुझे याद पड़ता है बचपन में एक फैमिली गैदरिंग में एक फंक्शन हो रहा था, तो मेरे भाई ने ही मुझे पुश किया और ज़बरदस्ती माइक पकड़ा के बोला कि कुछ गाओ। उस वक्त तो खैर कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वही दिन था कि मुझे लगा कि शायद मैं गा सकता हूँ, और फिर मैंने सीखना शुरू किया सुनने की हद तक। सबसे पहले जो मैं अपने उस्ताद जिनको मानता हूँ, मेरे कान हैं और मेरा दिमाग है, तो और जिन जिन लोगों को सुना वो सब ही उस्ताद हैं, उन सबको सुन सुन के एक एक नोट को कोशिश की निकालने की, उसको मिमिक करने की, तो उससे सीखने को मिला कि किस तरह से किया जाए। तो दैट वाज द प्रोसेस। तो अच्छा, हर सिंगर को हमने ये देखा है कि उनका कोई अपना एक फेवरेट सिंगर होता है जिनको वो फॉलो करता है, तो आपने किसको ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश की? जब जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाकया, उस वक्त एक बैंड था फ्यूजन और सिंगर थे शफकत अमानत अली, उनका एक सॉन्ग था खमाज। वो गाना ऐसा था कि उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया, इतना फैसिनेट किया कि उसको मैंने कोई 2-3 साल रेगुलरली सुना। और मेरा अगर आप कहें कि कोई गाना अगर उस्ताद है तो वो गाना मेरा उस्ताद है। तो या ही वॉज माई इंस्परेशन, ही स्टिल इज, बट उनके अलावा भी हैं, बट सीखने का जो अमल था वो शुरू उनके गानों से। तो अब अगर हम ये कहें कि भाई वो गाना आपने एक अरसे तक सुना, तो यकीनन उसकी प्रैक्टिस भी की। जी ऐसे ही। और प्रैक्टिस भी की तो यकीनन वो गाना आपने कई जगह गाया भी होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी। तो क्यों ना आज भी हल्का फुल्का सा कुछ अगर? हाँ, वो बिल्कुल सुना देता हूँ, वो तो मेरा वैसे ही फेवरेट गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पे हर वा बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी
लाख जतन कर हार रहे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई आपकी आवाज़। मैं नाज़रीन को मैं यहाँ बता दूं कि वजी की ना सिर्फ आवाज़ बल्कि अब इन्होंने एज़ अ प्लेबैक सिंगर कई ड्रामों में इन्होंने गाना भी गाया, म्यूज़िक भी दिया, और ना सिर्फ ड्रामों में बल्कि अब फिल्मों की तरफ भी कदम रख दिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि अभी इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स पे अभी काम किया है, कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। जी वजी सर, 2017 में एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हुई थी, फर्स्ट हॉरर मूवी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, डायरेक्टेड बाय सैयद आतिफ अली। उसके अंदर जो मेरे बैंड मेंबर थे मसूद आलम, उन्होंने म्यूज़िक दिया था, बैकग्राउंड स्कोर दिया था, ही कंपोज द सॉन्ग्स रिटन एज वेल। और उसके अंदर मैंने 3 गाने गाए थे, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ प्लेबैक सिंगर फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। तो वो एक एक्सपीरियंस था जो कि हमेशा याद रहेगा। उस उन्हीं डायरेक्टर की एक और फिल्म अभी अपकमिंग रिलीज़ होने वाली है, पीछे तो देखो द मूवी, इट इज़ अ हॉरर कॉमेडी मूवी। उसके अंदर एक डुएट सॉन्ग है मेरा, बट उनका उसका म्यूज़िक किसी और ने दिया है, दैट इज़ AQ आर्टिसन। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सही सही, इट विल बी रिलीज इन दिसंबर आई गेस। अच्छा, तो वैसे अभी कुछ ब्रांड्स की तरफ से भी मेरे ख्याल से वो मुख्तलिफ कैंपेन्स वगैरह चलती रहती हैं, और वो तो उसमें अभी अप्रोच किया है कुछ ब्रांड्स ने जो करना चाह रहे हैं आपके साथ काम। जी, टेलीनॉर की एक कैंपेन, एक रेडियो कैंपेन थी, उसके अंदर मैंने कुछ रेडियो स्पॉट्स किए थे, और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, UC ब्राउज़र का एक कमर्शियल किया था, और जिक ऑयल के लिए भी एक कमर्शियल किया था। सही सही सही, तो इस तरह के हैं कमर्शियल्स हैं जो किए थे हमने एज अ जिंगल। सैमसंग के लिए भी किया था बट वो ऑनियर नहीं हो सका किसी वजह से, बट किया था। सही सही सही। अच्छा, अब एज अ सिंगर आपने इतना सारा काम किया, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, कुछ लोग यकीनन आपसे रब्ता भी करते होंगे कि भाई हमें भी गाना सीखना है, आप बताएं हम क्या करें, किस तरह से करें। कुछ लोग चाहते होंगे कि भाई आप फिज़िकली उनके साथ बैठ के उनको गाने की टिप्स दें, कुछ लोग ऑनलाइन आपसे रब्ता करते होंगे, तो अभी कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में? वैसे तो मैं अब ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं, क्योंकि मेरे पास भी जो फॉर्मल बेसिक जो नॉलेज होती है, जो लेसन्स होते हैं, वो मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं लिए जो कि मुझे लेने चाहिए थे। बट थोड़ी इतना अरसा गुजर गया है तो माहौल में रह के कंपोजर्स के साथ बैठ के कुछ इतना अंदाज़ा हो गया कि मैं थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ। तो एक स्टूडेंट हैं मेरे जो कि अमेरिका में होते हैं, उनको हल्का फुल्का गाइड करता हूँ मैं थ्रू स्काइप। तो इस ये भी सिलसिला है, कुछ वो मुझे सिखाते हैं, कुछ मैं सिखाता हूँ, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर तक। सही सही सही। अच्छा, माशाल्लाह से मैं बताऊँ नाज़रीन के वजी माशाल्लाह से मैरिड हैं, माशाल्लाह से एक बेटी है इनकी। अच्छा, मैंने ये देखा है वजी, सिंगर्स के पास एक बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर मिसेज या वाइफ नाराज़ हो गई तो एक सबसे बड़ी एक चीज़ ये होती है कि भाई गुनगुना लिया, मना लिया, क्या होता है इस तरह से फैमिली में कुछ इस तरह की नोक झोंक? और फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मेरी वाइफ फ़ैन भी है मेरी। अच्छा, तो अक्सर वो रिक्वेस्ट करती है, तो बिल्कुल वो फायदा और कौन उठाएगा। नहीं चले, एक रिक्वेस्ट तो एक अलग चीज़ है ना, किसी बात कोई नोक झोंक हो गई, नाराज़गी हो गई। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लड़ाई हो गई है और एक बहस हो गई है, फिर बातचीत बंद है, तो गाना गा के मना लिया, तो ऐसा हुआ है। चलें, अच्छी बात है। कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा जो फेवरेट आपका गाना है अब तक, जो शुरू से एक कहते हैं ना बचपन से अब तक एक बड़ा फेवरेट रहा है, जैसे अभी आपने एक बताया भी शफकत हमारे दिल का, वो आपने भी गुनगुनाया भी, बहुत मज़ा आया। और जो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनमें से किसका और ज़्यादा आपको पसंद है गाना? जब सिंगिंग शुरू की थी तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि कितने लोग हैं जो सुनने के काबिल हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनको सॉरी टू से सुनना नहीं चाहिए क्योंकि गाना ख़राब होता है। बट शफकत हमारत अली के बाद मैंने फिर मेरे कुछ सीनियर्स ने गाइड किया कि रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी साहब को आप सुने। बिल्कुल, बहुत। और मेरे फादर भी बहुत बड़े फ़ैन थे उनके, इवन मुलाकात भी हुई एक दफ़ा उनसे। तो उनको सुनने के बाद जो सुनने का एक वे था वो बदल गया, क्योंकि रफ़ी साहब के एक्सप्रेशन जैसा है ही नहीं, किसी के पास नहीं है उनके जैसा एक्सप्रेशन, बहुत कम सिंगर्स हैं जो उनको मैच कर पाते हैं। मैच तो नहीं कर पाया कोई भी उसको, उनको थोड़ा सा टच कर पाते हैं। तो उनको सुना, फिर मेहदी हसन साहब ऑब्वियसली उनको सुना, नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ को सुना, ये सारे, ये बेसिकली हमारे पास खजाना है जो लोग भूल बैठे हैं, और
ये गाने नहीं इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में। मैंने बहुत कुछ इन गानों से इनको बार बार सुन के सीखा है जो मैंने मुझे पहले नहीं आता था और इन गानों को सुन के मुझे आया। तो अभी हम लोग जब रिकॉर्डिंग में आ रहे थे उस वक्त आप कोई मैडम नूरजहां का कुछ गाना जी गुनगुना रहे थे, तो क्यों ना हम अपने नाज़रीन को भी। जी बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत मेरे दिल के करीब गाना है वो, और नाज़रीन में से भी बहुत लोगों को पसंद भी होगा और सुना हुआ भी होगा। बिल्कुल हो जाए फिर। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, आज देखा तुझको देर के बाद, आज देखा तुझको देर के बाद, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा अगर हम बात करें, अब जैसे ये हमने देखा है पड़ोस मुल्क में, इंडिया की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, नए नए गाने वालों को एक मौका मिल जाता है कि उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, उनको वहाँ पे अच्छा उनका कुछ कल्चर भी ऐसा है कि घर से ही उनकी उनके कल्चर का बहुत तरबियत इस तरह की होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर कोई नया सिंगर या जिसे कहना चाहिए जिसको बहुत शौक है गाना गाना चाह रहे हैं, उसकी आवाज़ भी अच्छी है लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ क्या इस तरह का कोई होना चाहिए या यहाँ क्या? यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं, वोकल ट्रेनिंग होती है। एक नापा है, द सेकंड इज आर्ट्स काउंसिल, एक मेड स्कूल है, जिसकी ये बहुत फुकदान है इंस्टीट्यूशंस का। और जो नए सिंगर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग मिले, उनके लिए सिर्फ यही 3 ऑप्शन हैं जो मुझे पता है, और भी कोई होंगे तो उनकी मार्केटिंग शायद नहीं हुई भी या लोगों को पता नहीं उनके बारे में। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि ऑनलाइन यूट्यूब आजकल बहुत लोगों का उस्ताद है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे सेशंस हैं वहाँ पे, वोकल ट्रेनिंग सेशंस हैं, टिप्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोग हैं जो प्रॉपर गाइड करते हैं, सेशंस देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ख़ुद से कोशिश करें और ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जस्तजू होती है तो मिल ही जाता है। आप अगर खुद कोई टिप्स देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे नए सिंगर्स को, कि भाई होता ही है ज़्यादातर हमने देखा है कि एक शौक है बस गा रहे हैं लेकिन किसी एक जगह पे कहते हैं ना कि डीमोरलाइज हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वो अपने किसी और लाइन में चले जाते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो किसी को कॉपी ना करें, बी ओरिजिनल, क्योंकि कॉपी मार्केट में बहुत अवेलेबल है और उनके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उस जंग में तो लगना ही नहीं चाहिए। जस्ट ट्राई के आप सुने, क्योंकि सुन के आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल हूँ, मैं आपने जितना कुछ सुना ये मैंने सुन के सीखा है। मेरे एक स्पिरिचुअल उस्ताद भी हैं, उस्ताद फरीद अयाज कवाल साहब, उनसे मुलाकात बहुत कम होती है क्योंकि उनका ट्रैवलिंग का प्रोसीजर वो शेड्यूल ज़्यादा होता है, बट ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी कवाल, और मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं उनसे मुलाकात है मेरी और मैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो वो भी मुझे एक टिप्स देते हैं कि बेटा सुनो, सुन के कोशिश करो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या सिखा रहा है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फौरन ही रिकॉर्ड करके आप स्टार बन जाएंगे। बिल्कुल, आप बहुत बुरा गाएंगे शुरू में, उससे डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को रिकॉर्ड करते रहना।
क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप तो पता चलता रहेगा कि आप किस कितने लेवल पे। वो तो देखें ना, काम कोई सा भी हो अगर मुस्तकिल मिजाजी ना हो उसमें तो आप तो फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अभी कुछ अर्से से, क्या बल्कि अब काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े कशीदा रहे। पहले आर्टिस्ट का आना जाना रहता था और एक बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री भी हो गई थी। तो अब आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है, अब पहले तो एक ये मौका मिल जाया करता था यहाँ के लोगों को भी, वहाँ चले गए, अच्छा एक सिलसिला हो गया। तो अब ये एक सर्कल में लिमिटेड हो गए कि भाई पाकिस्तान में ही करना है या यूएई चले गए बस। तो कैसा लगता है, मतलब एक एज अ फनकार हम सरहदों को किस तरह से देखते हैं, ये चीज़? टैलेंट की तो कोई बाउंड्री होती ही नहीं है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है सोशल मीडिया की कि आप अगर यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू आप अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो इंडिया में भी देखी जाती है, वो दुबई में भी देखी जाती है। तो मेरे भी बहुत सारे हैं सुनने वाले जो इंडिया में सुनते हैं और वो ये बोलते भी हैं कि आप कभी यहाँ आएँ, रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ परफॉर्म करें या रिकॉर्ड करें, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते। और वहाँ के कंपोजर्स प्रोड्यूसर्स भी यही इस चीज़ को डिस्करेज ही करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो बाउंड्रीज टैलेंट की होती नहीं है, टैलेंट को इस चीज़ से परे रहना चाहिए। बिल्कुल, हमने यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि हमने यही देखा, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि जाहिर सी बात है फनकार की या कोई बाउंड्री नहीं होती। और हमने इंडिया में भी देखा है, वो हमारे मैडम नूरजहाँ को और मेहदी हसन साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब की, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की। और यही सूरत हाल यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि भाई हम मोहम्मद रफ़ी हो गए, लता मंगेशकर हो गए, किशोर कुमार हो गए, आज भी सुना जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये बात तो खैर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि भाई अब जो माहौल हो गया है, ठीक है, अब खैर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस बात से कि यहाँ पे अब सिंगर्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। मतलब अब अगर आप अपने आप को फ्यूचर में किस तरह से देखना चाहते हैं? मैं सिंगर्स का फ्यूचर ब्राइट भी देख रहा हूँ और डार्क भी देख रहा हूँ। बहुत अजीब सी बात है लेकिन ऐसी है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर तो लबे है, अपने जानने वालों को ही मौका दिया जाता है। और किसी रॉ टैलेंट को, बहुत शादिर नादिर कोई ऐसा कंपोज़र हो जो उसको उठा ले और चांस दे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, होता है, बट इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी और रेशो बहुत कम है। ये चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको? बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। मतलब मैंने अनगिनत ऐसे स्क्रैचेस गाए हैं जो रिजेक्ट हो गए, फिर किसी और ने गाए हैं, उसका नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये भी मेरा एक मानना है कि अल्लाह की तकसीम पे राज़ी रहना चाहिए, वो सही तकसीम करता है, उस पर मेरा ईमान है। जब मेरा सही वक्त आएगा तो मुझे सही तकसीम मिलेगी इंशाल्लाह। तो फ्यूचर ब्राइट इस तरह से कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल बन गया। अगर आप में टैलेंट है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और आप डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट हैं अपने टैलेंट पर, सोशल मीडिया की कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे सिंगर्स देखे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं और वो लोग उनको प्रेज कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं अपने रूम में बैठ के। तो इस तरह से ब्राइट भी है, डार्क इस तरह से अगर आप सिर्फ इसको एज अ प्लेबैक सिंगिंग कंसिडर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स हैं, जिनका नाम है, जिनकी फॉलोइंग है, उन्हीं को मौका दिया जाता है। रॉ टैलेंट को बहुत कम लोग दे रहे हैं, बहुत कम लोग। सही सही सही। अच्छा, अब नाज़रीन हम यहाँ पे एक छोटा सा एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें हम वजीउद्दीन मीर एक पिक्टोरियल रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा वजीउद्दीन मीर का, हमने एक छोटा सा एक रिफ्लेक्शन दिखाया है इनका पास्ट कैसा गुजरा है पिक्टोरियल। तो अब हम वजी से कहेंगे कि जाने से पहले हमें एक अच्छा सा गाना सुना दें और उसी के साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और वजी, आप कोई एक अच्छा सा, जिसे हम आम फैम में कहते हैं ना, तड़कता भड़कता सा। तड़कता भड़कता सा, ओके। शफकत अमानत अली का ये गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनका पहला गाना था
जिसका वीडियो निकला था और वो बहुत लोगों ने पसंद किया था 2004 में, तो वो सुनाता हूँ। सभी दूरियां वो मजबूरियां, सभी दूरियां वो मजबूरियां, भुला दो उन्हें के मैं ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के सागर, होठों के सागर। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी।